वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मुस्तहिक फनकारों के लिए माली इमदाद 5,000 से बढ़ाकर 25,000 तक करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इस बात का ऐलान फिल्म डायरेक्टर व फिल्म प्रोड्यूसर सैयद नूर से मुलाकात के मौका पर किया। वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज़ इलाही ने फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए लाहौर में जदीद तरीन प्रोडक्शन स्टूडियो और जदीद सिनेमा कम्प्लेक्स बनाने का भी ऐलान किया। इस मौके पर परवेज़ इलाही ने कहा कि ईरानी और तुर्किश फिल्म मेकर्स की मुआवनत से फिल्म इंडस्ट्री को बहाल किया जाएगा। नौजवान फिल्म मेकर्स को प्रोडक्शन के नए रुझानात की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, जबकि टेवटा के इदारों में फिल्म टेक्नीशियन के जदीद कोर्सेज भी मुतारफ करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लाहौर कभी आर्ट कल्चर और फिल्म का मरकज था। नून लीग की साबिक सूबाई हुकूमत ने आर्ट कल्चर और फिल्म को भी बाकी शोबों की तरह तबाह किया। हमारी हुकूमत लाहौर को दोबारा आर्ट कल्चर और फिल्म का मरकज बनाएगी। वज़ीर-ए-आला ने मजीद कहा कि फनकारों की फलाह बहबूद के लिए 1 अरब रुपए आर्टिस्ट इंडोमेंट फंड कायम किया गया है और हमने मुस्तहिक फनकारों के लिए माली इमदाद 5,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। इस मौके पर सैयद नूर ने कहा कि पंजाब फनो सकाफत के लिहाज से जरखेज धरती है। फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज इलाही का ऐलान खुश आइंदा है। मुकामी फिल्म इंडस्ट्री को बहाली के लिए इकदाम को कदर की निगाह से देखते हैं। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।